Hey guys, welcome or welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing well and I am also very good. So अभी शाम का टाइम हो रहा है, इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. आज अभी कुछ भी नहीं है, बस खाना वगैरह बनाना है और दिख ही जाएगा क्या होगा इस ब्लॉग में. सो अभी स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को. सो गाइज, मैंने लिए दो टमाटर और प्याज इतना ही था क्योंकि बाकी जो है वो सड़ रखा था, अच्छा नहीं था, तो मैंने नहीं डाला. सो ये है नमकीन. अभी इसको बनाते हैं, इसका मिक्सचर, क्योंकि काफ़ी मन कर रहा था मेरा खाने का भी. तो पापा ने बोला कि मेरे लिए भी बना दे, तो मैंने इसको एकदम बारीक बारीक काटा. उसी बीच मेरे ताईजी भी आ जाते हैं मम्मी से मिलने. अभी काटते हैं मैं प्याज इतना ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है, काटते हैं. फिर पापा ने और ढूंढ के निकाला कहीं से, तो मतलब थोड़ा अच्छा लग जाए. प्याज नहीं होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो जितना ज़्यादा प्याज की क्वांटिटी होती है उतना अच्छा लग बनता है मिक्सचर. सो इसमें अब डालता हूँ हरी मिर्च, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी टेस्ट देती है. मतलब तीखा नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है खाने का. और ये बन जाता है हमारा मिक्सचर, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं. अभी डालते हैं नमकीन और जल्दी से बनाते हैं. सो गाइज, ये बन के रेडी हो गया है और इतना यमी लग रहा था, लाइक मैंने खाया और लाइक इट्स लाइक ए वाओ, इतना यमी था ये कि मैं क्या बताऊँ, आपको तो नहीं मिल सकता. उसके बाद थी बारी खाना बनाने की, तो मैंने ले लिए आटा गूंजा हुआ था. तो फिर उसके बाद मैंने बनाए चपाती, एकदम रोल रोल करके गोल गोल चपाती मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे में टैलेंट है, मैं बनाता हूँ शुरू से. मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने खुद से सीखा हुआ है खाना बनाना. एंड दैट्स अ गुड पॉइंट इन मी, आई थिंक, मुझे लगता है. सो यहाँ पे तवा तो गर्मी था, मतलब चूल्हे की खाना बना हुआ इतना टेस्टी होता है एज़ कम्पेयर टू जो कि गैस में बनता है, इतना टेस्टी नहीं होता है. और हमेशा चूल्हे पे खाना बना हुआ, पहले तो यही होता था चूल्हे पे खाना बनाते थे लोग, तो उनको ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगती थी. आजकल तो सब कुछ गैस पर ही बना रहे हैं लोग, बट आज भी हिमाचल में एक टाइम का खाना हमेशा चूल्हे में ही बनता है, स्पेशली रात का खाना. फिर उसके बाद बनाई मैंने मक्की की रोटी, क्योंकि पापा ने बोला कि दो रोटी बना दे, क्योंकि खाते हैं वो, यहाँ हिमाचलियों का रिवाज होता है, आई डोंट नो, कि मतलब मक्की की रोटी उनको चाहिए ही चाहिए, मतलब विंटर्स के टाइम तो चाहिए ही, दो रात को दो रोटियाँ. सो मैंने जल्दी से बनाई ये भी. मेरे को इतनी बनाने तो नहीं आती अच्छी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. फिर उसके बाद खाना बना के खा के बर्तन साफ़ करके अब बारी आती है अपने थोड़ी केयर करने की. आज मैंने हेयर ऑयल नहीं लगाया था बालों में, तो लगाते हैं हेयर ऑयल. गाइस ये एकदम जम रखा है, इसको निकालने में भी काफ़ी दिक्कत होगी. एंड ये तो ठीक है, इसमें मिक्स करता हूँ, अदरवाइज़ ये सिंपल लगाऊंगा तो अच्छा नहीं रहता है. एकदम सिंपल लगाएंगे तो कोकोनट का एक्स टाइम, तो क्योंकि बाल जो होते हैं जम जाता है ये बालों में जाके, सो ठीक नहीं है. तो या इसमें थोड़ा मिक्स करता हूँ तब लगाता हूँ, फिर नहीं जमेगा ये, तो इसको मैं सबसे पहले पिघालता हूँ. फिर पिघाना तो क्या ही था, मैंने चम्मच से निकाल दिया, ये मतलब निकल गया अभी इजीली, तो काम बन जाता है मेरा. फिर आ जाता हूँ मैं अपने रूम में जो कि सेकंड फ्लोर पे है, लाइट करता हूँ ओ, क्योंकि बाहर सारे सो चुके हैं. फिर लगाता हूँ मैं अपने बालों में ऑयल. सो गाइस, ताकि मेरा बिस्तर ख़राब ना हो, तो मैंने लगाऊंगा ये हेयर मास्क, क्योंकि इस काफ़ी बेटर रहता है. इसके बाद हेयर ऑयल लगाने के बाद कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं, तो मैं ये लगा लेता हूँ क्योंकि अच्छा रहता है यार. सो गाइस, दैट इज़ अ ब्लॉग, एंड इफ़ यू पीपल लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.